दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी आपको ऑफर लेटर रिलीज़ कर देती है और ऑफर लेटर रिलीज़ करने के बाद आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है या ज्वाइनिंग लेट दे रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप करंट कंपनी में वर्किंग होते हो और कहीं पर आप इंटरव्यू देते हो, फिर इसके बाद वो कंपनी आपको ऑफर लेटर दे रही होती है, तो ऑफर लेटर देने के बाद जब आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ज्वाइनिंग के टाइम पर होता क्या है कि कंपनीज़ कई बार क्या करती हैं कि आपकी ज्वाइनिंग 1 वीक या 15 डेज नॉर्मली डिले कर देती हैं। इनकेस उनका जो इंडक्शन टाइम होता है, एक्चुअली इंडक्शन टाइम इन द सेंस कि अगर वो कंपनी सिर्फ मंडे से इंडक्शन स्टार्ट करती है या वो कंपनी ट्यूजडे से इंडक्शन स्टार्ट करती है आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए, तो हो सकता है कि आपको 15 डेज का डिले वहाँ पर मिल जाए या मिनिमम 7 डेज के आसपास आपको वहाँ पे डिले मिल जाएगा। ये एक नॉर्मल होता है अगर आपको 7 डेज का डिले मिल रहा होता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है कि आपको हायर किया किसी और बंदे को, तो क्या सोचती है कि इन 3-4 बंदों का इंडक्शन हम सेम डे पे स्टार्ट करेंगे। अब वो 3-4 बंदे कोई लास्ट फ्राइडे को लीव कर रहा होता है, कोई हो सकता है मंडे को लीव कर रहा है, कोई हो सकता है वेडनेसडे को, तो वो अलग अलग डेट पे लीव कर रहे होते हैं, तो उन तीनों चारों बंदों को एक साथ ज्वाइनिंग कराने के लिए आपकी ज्वाइनिंग 1 वीक या मैक्स 15 डेज डिले कर देती हैं। ओके, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। एंड सेकेंड वे, कंपनी क्या करती हैं कि आपको उस टाइम के लिए प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने हायर किया था, बट आपका रेजिग्नेशन 2 महीने 3 महीने का होता है और वो इनकेस प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो वही सोचते हैं कि चलो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मूव करेंगे और वहाँ भी जगह नहीं, तो उस केस में भी कंपनी आपको डिले कराती रहती हैं। तो इस केस में आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, HR टीम से बात कर सकते हो, उनके पास अदर वैकेंसीज होंगी तो आपको वहाँ मूव करेंगे, बट आपके पास उस टाइम के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं होता है सिवाय लीगल एक्शन के। आप चाहो तो कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो अगर कंपनी ने आपको प्रॉपर ऑफर लेटर दिया हुआ है सारी चीज़ें। एंड सेकेंड वे क्या होता है कि जब आपके पास एक ऑफर लेटर हो ना दोस्तों, मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप और भी 2-3 कंपनीज में इंटरव्यू दो और 2-3 ऑफर लेटर अपने पास लेके रखो, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। और डिले करने का जो मोस्टली केस आप देखो वो MNCs कंपनी में होता है, जो बहुत बड़ी कंपनी जैसे विप्रो हो गया, HCL हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, IBM हो गया, तो इन कंपनीज में डिले होता है। बट आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे डिले नहीं होता, अगर उनको लेना है तो अकेले इंडक्शन करा देते हैं, उनका इतना ज़्यादा तगड़ा होता नहीं है, क्योंकि MNCs कंपनी में इंडक्शन आपका 7 डेज 5 डेज 6 डेज ऐसे चलता है, ज्वाइनिंग फिर अलग अलग सेशंस होते हैं, सबके बारे में बताया जाता है किस क्या बिजनेस है, किस पे आप काम करोगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। तो ये होता है बेसिकली एक प्रोसेस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में चल रहा है। हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।